बहुत ही फोर्सफुली मूव्स जिसमें सारे मूव्स फोर्स होते हैं, उसी के बारे में आज, जिसका नाम है टू नाइट अटैक्स अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस। टू नाइट अटैक्स करके आप गेम में फ्रेंच के सामने, फ्रेंच प्लेयर के सामने आसानी से जीत सकते हो या इक्वालिटी कर सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वो थी फ्रेंच डिफेंस की मेन लाइन e4 e6। यहाँ पर मैंने कहा था टू नाइट्स, मतलब d4 नहीं खेलना है आपको, नाइट f3। ब्लैक का एज यूजुअल रिप्लाई होता है d5 सेंटर के लिए, और यहाँ आपको खेलना है नाइट c3। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेन मूव ज्यादातर लोग क्या खेलते हैं, तो c5। लेकिन आज c5 के बारे में सारा डिस्कस मैंने कर दिया है, और ये पूरी लाइन देखने के लिए जिन लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आज हम देखेंगे साइड लाइन्स। साइड लाइन्स में कौन से मूव्स हैं? तो यहाँ पे साइड लाइन में तीन रिप्लाई है। एक जो रिप्लाई है d4 नाइट पे अटैक, दूसरा रिप्लाई है d takes e4, और तीसरा रिप्लाई है bishop to b4। ये तीन रिप्लाई के सामने आपको तैयारी करनी है, बाकी सारे मूव्स में आप आराम से गेम में इक्वालिटी कर सकते हो और पोजिशनल प्लस भी हो सकते हो आसानी से। तो चलिए पहले देखते हैं जो साइड लाइन में d4। d4 दिखने में तो अच्छा मूव है कि ब्लैक के लिए, ब्लैक को लगता है नाइट पे अटैक हो रहा है, लेकिन नाइट e2 के बाद इस पॉन पे जब दो अटैक आते हैं तो इसे बचाने का एक ही बेस्ट चॉइस है c5 के बाद यहां आप खेलोगे c3। ब्लैक अगर पॉन टेक्स ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप b टेक्स मार के सेंट्रलाइज कर सकते हो। अगर ब्लैक ने यहां पे d3 किया तो उसके बाद ये पॉन आपको मिल जाएगा knight to f4, डबल अटैक है। अगर इस पॉन को बचाने के लिए c4 किया तो सिंपल queen to a5 और queen a4 चेक आफ्टर knight c6, सिंपल क्वीन टेक्स पॉन। तो d4 में ये पोजीशन होती है। ओके, फोर्थ मूव में knight e2 के बदले, जैसे कि फोर्थ मूव में c5, यहां पे अगर ब्लैक ने nc6 किया तो ये एक ब्लंडर मूव है। यहां पे आपको इस पोजीशन में c3 में nc6 से सपोर्ट किया, तो ये मिस्टेक है ब्लैक के लिए। फिर से देख लेते हैं nc3 और यहां पे d4। ओके, d4 के बाद knight e2, इस रिप्लाई में अगर ब्लैक ने knight c6 से सपोर्ट करना चाहा तो ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि c5 इज बेटर देन knight c6। ओके, चलो यहां पे हम दूसरा रिप्लाई देखते हैं c takes। nc3 के बाद d takes e4, यह है दूसरा रिप्लाई। यहां व्हाइट को बहुत ही मजा आएगा, knight takes e4, सेंट्रलाइज होगा नाइट। ब्लैक रिप्लाई देगा bishop to e7, उसके बाद आपको खेलना है d4, knight f6, यहां पे आपको एक्सचेंज करना है knight takes f6, bishop takes f6, और उसके बाद c3। पॉन चेन हो गई आपकी, ब्लैक यहां पे कैसल करेगा bishop d3 b6। अब देखो b6 जरूरी है क्योंकि बिशप का जो ये e6 वाला रास्ता है ब्लॉक है, तो बिशप डेवलप करने के लिए b6 ये जरूरी है। यहां आपको queen c2 एक थ्रेट देनी है h7 पे। g6 ये ब्लैक की ओर से बेस्ट रिप्लाई होता है यहां पे। उसके बाद bishop e4, a8 का रुक पे अटैक। फोर्स मूव यहां पे कौन सी है? ओनली मूव है, सबको पता है, c6।
उसके बाद h4 देन h5, यहाँ पे ब्लैक अगर इसे स्टॉप करने के लिए h5 कर देता है तो यहाँ आपको सिंपल बिशप टू g5, बिशप टेक्स बिशप में आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि नाइट अटैक में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है किंग g7 करे, तो सिंपल क्वीन d2 कर देना है। अब ये गेम कंप्लीटली व्हाइट की फेवर में है। ओके, यहां हम देखेंगे दोस्तों थर्ड मूव, तीसरा जो आंसर है b4, नाइट को पिनिंग। आइडिया d4 का प्लानिंग है, यहां आपको खेलना है e5। ब्लैक खेलेगा c5। ओके, यहां आपको खेलना है नाइट b5, नाइट टू d6 फॉर की थ्रेट। तो ब्लैक के पास बेस्ट चॉइस है c4, जो बिशप का रास्ता ओपन करेगा, और यहां आपको खेलना है c3। अब बिशप e7 ओनली ऑप्शन है क्योंकि इस रास्ते अगर गया तो नाइट d6 बहुत ही डेंजर थ्रेट आ रही है चेक की। e7 के सामने आपको खेलना है d3, मोस्टली रिप्लाई होता है a6 नाइट पर अटैक। यहां सेंट्रलाइज करना है नाइट d5, ब्लैक खेलेगा b5, यहां आपको ब्रेक लेना है a4। पॉन टेक्स पॉन में सिंपल रूक टेक्स पॉन और इस पॉन पे प्रेशर बना रहेगा, और ब्लैक अगर इस पोजीशन में b4 करता है तो यहां आपको पॉन मिल जाएगा d takes c4। आफ्टर पॉन टेक्स पॉन देन बिशप टेक्स c4, पोजीशन भी प्लस है व्हाइट की और एक पॉन अप भी हो गए हैं, तो ये गेम सिंपल विनिंग होगी व्हाइट की ओर से। तो ये थी फ्रेंच डिफेंस अगेंस्ट जो थर्ड सेकंड वीडियो मैंने बनाया है।